नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। सीपी के एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो में खबर लेके आए हैं कि आंशिक रूप से खुले स्कूलों को पूरे तरीके से कब खोला जाएगा। पूरी न्यूज आपको इस वीडियो में ऑफिशियल बताई जाएगी। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अनलॉक की शुरुआत के बाद जहां धीरे धीरे मार्केट से लेकर ऑफिस तक खुलने लगे, वहीं स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों पर पाबंदी जारी थी। ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से 16 सितंबर को जारी गाइडलाइन में स्कूलों को स्टूडेंट्स के लिए 21 सितंबर से आंशिक रूप से खोलने की छूट मिलने के बाद कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्लासों में 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट को आंशिक रूप से स्कूलों को खोलकर बुलाने का निर्देश जारी कर दिया गया है। हालांकि इसके लिए पेरेंट्स की अनुमति जरूरी है। जारी निर्देश के बाद गुरुवार को लंबे अंतराल के बाद थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन 6 माह से बंद स्कूलों में रौनक आई। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए या आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर सही आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, NEET या क्लास 6वीं से 12वीं का सवाल हो, इन सब सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट ऐप पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेज, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। कई स्कूलों में पहुंचे चुनिंदा स्टूडेंट्स। DIOS की ओर से सभी बोर्ड के स्कूलों को आंशिक रूप से खोलने के निर्देश के बाद गुरुवार को चुनिंदा स्कूलों को खोला गया। कंटेनमेंट जोन के बाहर के इन स्कूलों में पहले दिन चुनिंदा स्टूडेंट ही पहुंचे। स्टूडेंटों को देखकर टीचर्स के भी चेहरे पर रौनक बढ़ गई। वहीं टीचर्स ने स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट के लेकर डाउट्स को क्लियर किया। क्लास 9वीं से 12वीं तक स्टूडेंट्स के लिए ये व्यवस्था आगे भी लागू रहेगी। स्टूडेंट्स भी करीब 6 महीने बाद अपने स्कूल में पहुंचकर खासे उत्साहित दिखे। हालांकि बड़ी संख्या में स्कूल बंद ही रहे, कई स्कूलों तक DIOS की ओर से जारी निर्देशों की कॉपी नहीं मिल सकी थी। ऐसे में स्कूलों ने आदेश की कॉपी मिलने के बाद ही आंशिक रूप से स्कूल खोलने पर सहमति जताई। बोर्ड एग्जाम को देखते हुए उठाया गया कदम। आगामी बोर्ड परीक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया गया, जिससे ऑनलाइन क्लासेज के बाद भी अगर किसी स्टूडेंट्स को किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट हो तो वह पेरेंट्स की स्वैच्छिक सहमति से लेकर स्कूल जा सके और संबंधित टीचर से अपने डाउट्स को क्लियर कर सके। दोस्तों, इस वीडियो में हमने स्कूल खोलने से लेकर बड़ी खबर के बारे में आपको बताया। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।